इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अफगानिस्तान में हिंसा के बीच भारत ने करीब 50 राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को कंधार से निकाला है। आपको जानकारी दे दें, अस्थायी तौर पर कंधार में भारतीय कॉन्सुलेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कल यानी शनिवार को कंधार से भारतीय राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों की वापसी की गई। कंधार में बढ़ती हिंसा के बीच ये फैसला लिया गया। भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट से इन लोगों को निकाला गया। आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा को देखते हुए भारत जलालाबाद और हेरात मिशन पिछले साल ही बंद कर चुका है। ऐसे में अफगानिस्तान में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, कॉन्सुलेट और सुरक्षा कर्मियों को निकाला गया है। हमारे साथ ताज़ा जानकारी लिए आशीष सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आशीष, ये कंधार में पूरी हिंसा का ये पूरा मामला क्या है और फिलहाल वहां से क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है? देखिए, जैसे जैसे अमेरिकी ट्रूप्स बाहर निकल रहे हैं अफगानिस्तान से फुल विड्रॉल की तरफ, वैसे वैसे तालिबान अपना सर उठाता जा रहा है और इसी का नतीजा है कि 3 दिन पहले बड़ा कशान, जो कि बहुत बड़ा प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वो भी फॉल कर गया था तालिबान को। और अब इस तरह की खबरें आई कि कल बाकायदा कांदाहार पर काफी अंदर तक तालिबान फोर्सेज घुस आए और इस वजह से सुरक्षा को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए भारत सरकार ने अपने तकरीबन 50 डिप्लोमेट्स और सिक्योरिटी पर्सनल जो कि वहां पर मौजूद थे कंधार कॉन्सुलेट में, उनको वायुसेना के एयरक्राफ्ट से कल नई दिल्ली वापस बुला लिया, भारत वापस बुला लिया, सेफ रिटर्न कराया है। अब वहां पर सिर्फ लोकल एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं और जो भी कॉन्सुलेट की सर्विसेज हैं वो काबुल स्थित भारतीय दूतावास के जरिए दी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन और तालिबान के बढ़ते कदम को देखते हुए भारत ने ये बड़ा कदम उठाया है और फिलहाल कंधार कॉन्सुलेट से अपने सभी एम्प्लॉयज को वापस सेफली भारत वापस ले आए। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।